हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर 14 है स्टैटिक्स, उस चैप्टर के अंदर मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है, कि डाटाज का जो गिवन डाटाज होते हैं उनका मीन, मीडियन एंड मोड कैसे निकालें। तो आज हम इसी वीडियो में जल्दी से मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ डाटा ले लेता हूँ। मान लो 2, 5, 3, 2, 1, 5, 5, 4, क्लियर, मैंने ये डाटा ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं मीन, ठीक है। मीन जिसे हिंदी में माध्य बोलते हैं, वो कैसे निकलता है। तो मीन का एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है कि सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। क्लियर, समझाता हूँ कि फॉर्मूला क्या कह रहा है, कि आपके पास जितने भी नंबर्स हैं, डेटा हैं, उन सबका सम, ठीक है, सबका सम का मतलब सबका टोटल, वो आपको ऊपर रखना है, और ये कितने नंबर हैं गिनकर काउंट कर कर देखो, उसे नीचे रखना है और डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनका सम कितना होगा। तो 5, 4, 9, 9, 5, 14 और 1, 15 और 2, 17, 17, 3, 20, 5, 25 और 2, 27, यानी इन सब का सम आ गया 27। एंड ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधा 8 से डिवाइड कर दो, साइड में करके देख लेते हैं, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 8, 3, 24 बचा कितना 3, पॉइंट लगा के उतार लेंगे 0, 8, 3, 24 बचेगा कितना 6, उतार लेंगे 0, 8, 7, 56, क्लियर। कितना बचेगा फिर 4, उतार लेंगे 0, 8, 5, 40, कितना आया 3.375, ठीक है। तो ये तो हो गया इन डाटा का मीन, ठीक। तो मीन तो निकलता है ऐसे, दोबारा सुन लो, कि जो भी आपको डेटा दे रखा है उन सबका सम आपको ऊपर रखना है, ठीक है, और वो कितने हैं उनको काउंट कर कर वो नीचे लिख देना है टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन में, और सीधा फिर अगर सिंपल हो रहा तो कर देंगे, नहीं तो डिवाइड कर कर आपका मीन आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका मीन। बात करते हैं मोड की। अब मोड क्या होता है, ये तो उससे भी ज़्यादा आसान है, सबसे आसान, इसमें तो कुछ नहीं करना आपको। मोड अगर हम इसकी फॉर्मूले की बात करें तो मोड क्या होता है, यहाँ पर विच कम्स मोस्ट टाइम, सिंपल, कि जो ज़्यादा बार आए, जो चीज़ भी, जिस चीज़ की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, यानी जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो सबसे ज़्यादा बार, वही क्या होता है आपका मोड होता है। तो अगर हम इस डाटा को देखें तो इसका मोड क्या होगा, देखो यहाँ पे 5 है, 5 को देखोगे आप तो सबसे ज़्यादा बार ये है, 3 टाइम्स आया है, कितनी बार आया, 3 बार। तो मोड वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार आए, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मोड कितना हो गया आपका 5, ओके, नेक्स्ट। तो इसके बाद हमारा लास्ट चीज़ बचती है मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए क्या करना है, तो देखो मीडियन निकालने के, मीडियन जो है इनके मुकाबले थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपके पास जो भी डेटा लिखा हुआ है उसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। तो हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग में लिख लेते हैं, ठीक है। आप सबने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, कि सबसे पहले सबसे छोटी, उसके बाद बढ़ाते चले जाओ। तो फिलहाल यहाँ पर सबसे छोटी क्या है, 1, ठीक, उससे बड़ी क्या है यहाँ पर 2, और 2 टाइम्स है तो दोनों बार लिखेंगे इसको। 2 के बाद क्या है, 3, 3 के बाद क्या है, 4, 4 के बाद क्या है, 5, 3 बार लिख लिया। अब एक बार गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख लिया, ठीक है। अब जो ये 8 हमने गिना है इसे बोलते हैं n, n इक्वल टू 8, ठीक। अब क्वेश्चन हमारे यहीं पर आता है कि यदि n आपका इवन आता है, क्या है 8, क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है, इवन मतलब 2, 4, 6, 8, 10, तो अगर n आपका इवन आता है तो मीडियन के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे जो मैं लिखवा रहा हूँ, मीडियन इक्वल टू n बाय 2 टी एच टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1 टी एच टर्म अपॉन में, ठीक है। अगर n जो है आपका
इवन नंबर हो तो मीडियन के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो अगर आपका n जो है इवन नंबर है तो आप मीडियन के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक, अब कैसे यूज करोगे? तो मीडियन इक्वल टू n की जगह आप सीधा इस फॉर्मूले में क्या रख देना है, 8 रख देना है। यहाँ पर 8 है ना, तो 8 रख देना है। तो ये हो जाएगा 8 बाय 2 टी एच टर्म प्लस, यहाँ पर भी n रखेंगे, n बाय 2 प्लस 1 टी एच टर्म और अपॉन में कितना 2। ठीक, अब इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 1 2 2 2 4, यानी ये हो जाएगा फोर्थ टर्म। और जब इसे करेंगे 2 1 2 2 4 8, फोर ये तो हो गया 4 प्लस 1 यानी फिफ्थ टर्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा? फिफ्थ टर्म और अपॉन में कितना आपका 2। ठीक, अब जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में करा है, ठीक है, उसमें जाकर आपको देखना है फोर्थ टर्म कितना है, 1 2 3 4, तो फोर्थ टर्म की जगह कितना है 3, तो आपको 3 लिख देना है। प्लस फिफ्थ टर्म की जगह कितना है 4, तो फिफ्थ टर्म की जगह 4 लिख देना है और अपॉन में कितना 2। ठीक है, तो ये 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 7, अपॉन में कितना 2, और जब इनको दोनों को डिवाइड करेंगे या काटेंगे तो 3.5, ये हो जाएगा आपका मीडियन। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे टर्म लगा हुआ था लेकिन जब टर्म की वैल्यू रख दी आपने तो वहाँ से टर्म हट चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया मीडियन जब आपका n इवन नंबर हो। ठीक, लेकिन अगर आपका n जो है ओड नंबर हो तो फिर आपको इस फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं करना, फिर तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसे तो फिलहाल मैं मिटाता हूँ, आपको बताता हूँ अगर n क्या हो आपका ओड हो। फॉर एग्जाम्पल तौर पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक संख्या और लगा लेते हैं, मान लो 6 जोड़ लिया हमने, यहाँ पर कितना जोड़ लिया 6। अब देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब n आपका कितना हो चुका है 9। ठीक है, जो कि एक ओड नंबर है। क्या है? ओड नंबर। तो जब n आपका ओड हो तब मीडियन के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, n प्लस 1 अपॉन में 2 टी एच टर्म। क्लियर, छोटा सा फॉर्मूला है। तो n कितना आपके पास 9, तो 9 प्लस 1 अपॉन में 2 क्या लगाना है, टी एच टर्म। तो 10, 9 प्लस 1 10 हो गया, 10 बाय 2 टी एच टर्म, काटेंगे तो ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म। अब आपको क्या करना है, जो असेंडिंग ऑर्डर में करा है उसमें जाके फिफ्थ टर्म लिख लो, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म की जगह इतना है 4, तो आपका सीधा मीडियन हो जाएगा 4। ठीक है, तो अगर आपका n जो होगा अगर ओड होगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है और वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ये था आपका मीन मीडियन